तो हेलो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैसे सीखूं, और मैं हूं आपका दोस्त लव सिंह उर्फ समीर सिंह। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल्स में हम सीखने वाले हैं किसी भी लूप्स को प्रॉपर तरीके से कैसे काटते हैं और उसका टेम्पो को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक लूप पड़ा हुआ है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करके थोड़ा सुन लेते हैं। देखिए इस तरह का लूप मेरे पास पड़ा हुआ है। अब हम इसको देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से ये वर्क किस तरह से करेगा, ठीक है। इसको कैसे कटिंग करेंगे जो प्रॉपर तरीके से ये वर्क करे, और इसका BPM अभी हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको सिंपली एडिट में आना है, सॉरी यहाँ से आपको प्रोजेक्ट में आना है। प्रोजेक्ट के बाद आपको यहाँ से बीट कैलकुलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको बीट कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए अभी इसका जो टेम्पो है वो 52.50 टेम्पो, ठीक है। तो ये बहुत ही कम टेम्पो का ये रिदम है, ठीक है। 52.50 टेम्पो का ये लूप्स पड़ी हुई है हमारे पास, तो इसकी टेम्पो जो है अभी बहुत कम है। तो चलिए इसको जो है इस लूप्स को प्रॉपर तरीके से काटते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला अच्छा बज रहा है या सेकेंड वाला लूप जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करके इसको सुन लेते हैं कि हमारा लूप जो है कौन सा प्रॉपर तरीके से बज रहा है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में यदि आप देख लेंगे सही से, तो आप किसी भी सॉन्ग का जो है किसी भी पार्ट को अच्छी प्रॉपर तरीके से काट के आप जो है यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सॉन्ग का जो है लूप को आप बहुत ही सुंदर से कटिंग करके आप जो अपने सॉन्ग है जिसे सुनिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो एक बार फिर से सुन लेते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा जो है हमारा सही से। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो सही से बज रहा है। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए यहाँ से कटिंग टूल लेंगे और आपको सिंपली पूरा इसको जूम कर लेना है। देखिए आपको इसको पूरा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं, जिसे आप इसको पूरा जूम करेंगे आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का ग्राफ एक दिखेगा, ठीक है। तो आपका ये देखिए ये ग्राफ जो है ये वाला भाग जो है ये लाइन पे रहना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इस पर कुछ ग्राफ चल रहे हैं, तो इस ग्राफ को जो है आपको कंप्लीट इसी तरह के रहना चाहिए। आप जैसे ये ग्राफ को यहाँ से इधर उधर, जैसे आपका ग्राफ मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे कि ये ग्राफ आपका जो है इतना पे है, यदि आप इसको कटिंग करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ब्लू टिक है, यहाँ पर देखिए एक ग्राफ चल रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा तो ये इसका जो है मिडिल मेन पॉइंट है, ठीक है। तो आपको सिंपली लाइन के ऊपर इसको ऐसे रखना है, लाइन के ऊपर इसको ऐसे रखना है। रखने के बाद ठीक है आपको प्रॉपर तरीके से इसको पहले पूरा जूम कर लेना है, उसके बाद यहाँ इस तरह रखना है, और रखने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो आप यहां से जैसे इस पर आपका ये ऑन रहना चाहिए, और यहां से आप इसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपको यहां से फिर इसको जूम आउट करके, जूम आउट आप शॉर्टकट किसे भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल जी से आप कीजिएगा तो जूम इन होगा और एस से जूम आउट होगा, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप देखते हैं इसको कि प्रॉपर तरीके से कटा है या नहीं कटा है। तो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ पे देखिए ऊपर में इसको यहाँ से ऐसे कटिंग करके यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू हो जाएगा, उसके बाद आपको इसके ऊपर यहाँ से ऑन कर लेना है इसको, ये वाले बटन को ऑन करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ से प्ले करके देखना है कि ये सही से जो है वो बज रहा है या नहीं बज रहा है। चलिए एक बार स्टार्ट करके हम सुन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से कट रहा है,
मतलब अच्छे तरीके से बज रहा है तो, और ये प्रॉपर तरीके से कटा हुआ, तो चलिए इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ये वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने तभी जो टेम्पो इसका मापा था तो वो टेम्पो 52.5 था, यानी 52.50 टेम्पो था इसका, ठीक है। तो अब इसका हम एक बार टेप को फिर से नापते हैं। आप दोनों तरफ से जूम करके देख लीजिएगा कि आपका जो है तरीके से जो है वो बैठा है या नहीं बैठा। तो एक बार फिर से इसको ओपन करके खोल लेते हैं। तो आप देखिए ये हमारा जो है बैठा हुआ है और अच्छी तरह से कटा हुआ है, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ से इसका टेम्पो सेलेक्ट करने के लिए फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, उस पर बीट कैलकुलेशन पे क्लिक करना है। इसका टेम्पो देखिए 105 हो गया, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पे 105 यहाँ पे आपको 105 सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मेरा यहाँ पे जो है 105 इस तरह है। अब 120 का मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 120 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आपको थोड़ा सा इसको इधर खिसका देना है। ये सेट हो गया। सेट होने के बाद ये देखिए अब ये 120 टेम्पो में बज रहा है। तो क्वालिटी जो है थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है किसी भी बीट को कटिंग कर सकते हैं और अपने सॉन्ग में उसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो।